चिकन एंड गार्लिक स्क्यूअर्स इतने आसान हैं कि इसमें सिर्फ 6 इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं और आप इसको जब बनाएंगे तो आपके घर वाले इसको ज़रूर पसंद करेंगे और ख़ासकर बच्चे। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ली हैं। जो चिकन ब्रेस्ट का साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं लिया है, मीडियम साइज़ की चिकन ब्रेस्ट ली हैं। उसके बाद मैंने इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब हम इनको स्कीवर्स में इस तरह से लगा देते हैं। ये स्कीवर्स 7 स्टिक्स हैं और वुडन स्कीवर्स जो हैं ये मार्केट से लिए गए हैं, आसानी से आजकल मिल जाते हैं। तो चलिए इसको इसमें लगा देते हैं और एक में जितने आते हैं ऐसा कोई काउंट नहीं है, आप जितने आते हैं आप उतने इसको लगा लीजिए। अब इस डिश में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ये गार्लिक। इसका जो फ्लेवर है, डोमिनेंट गार्लिक फ्लेवर है और चिकन के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसको में डाल देते हैं हम लोग गार्लिक। ये पूरा बल्ब मैंने गार्लिक का लिया है, इसमें करीबन 10 से 15 कलियां होती हैं। आप पूरा का पूरा बल्ब ले लीजिए। उसके बाद इसमें डालिए नमक और काली मिर्च और इसको आपने मिक्सी में नहीं पीसना है, क्योंकि जो असली स्वाद आएगा वो इस तरह से जब आप इसको कूटेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार होगा, आप उसी को यूज़ करें, उसी से अच्छा स्वाद आएगा। अब इस जो हमारा जो मैरिनेड है, ये जो पेस्ट है, इसको लगा देते हैं इन स्कीवर्स में। इसमें मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालता हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब लगभग इसको 2 घंटे के लिए हमें मैरिनेट करना है। अब एक पैन में थोड़ा सा आप तेल गरम करें, लेकिन पैन आपने नॉनस्टिक यूज़ करना है और उसके बाद इनको सिजल होने दें। आप इसको बार बार ना हिलाएं, जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आप इसको दूसरी तरफ से पलट दें और उसके बाद उधर से भी आप इसको कलर दें। बार बार हिलाने से जो उसमें चार्ड इफेक्ट है वो नहीं आएगा, और अगर आपको ऐसा चार्ड इफेक्ट चाहिए तो इसके लिए आप इसको हिलाएं ना, आप एक बार इसको पकाएं और उसके बाद दूसरी तरफ से पकाएं। वैसे तो हमने ये चिकन ब्रेस्ट को बहुत छोटा छोटा कट करा है, लेकिन फिर भी अगर आप में डाउट है कि ये कच्चे रह जाएंगे तो आप इसको एक आध मिनट ढक के पका सकते हैं इसी तरह से। और लास्ट में इसमें डालें नींबू का रस। तो चिकन एंड गार्लिक स्कीवर्स बिल्कुल रेडी हैं। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।